हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटायर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू बेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार, एक तड़प है। और किसी की ना जैसे या तो गुस्सा होने की या दर्द में होने की, रोने की एनर्जी है। कोई बहुत ज़्यादा ना एक कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग इमोशन की एनर्जी में है। या तो वो दर्द हो सकता है या तो गुस्सा हो सकता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा या तो दर्द में, रोने की एनर्जी में है, या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में। जैसे गुस्से में इंसान से थरथराता है ना, वैसे है। या तो दर्द में या रोने की एनर्जी में जो थरथराता है, वैसे एनर्जी में रिब से वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। यहाँ पे ना अजीब सी खिंचातानी है, इस रिश्ते में अजीब सी खिंचातानी है। क्योंकि एक तरफ आप हैं जो उनको खींच रहे हो और एक तरफ वो है जो आपको खींच रहे हैं। उनके भी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, उनकी जिस तरह से एनर्जी है, स्पेशली नाइट टाइम में जिस तरह से इस खालीपन में आपको जिस तरह से याद कर रहे हैं ना, ये कोई फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं है। एक इमोशनल वैक्यूम जिसे कहते हैं, जो मन की इच्छा की, जैसे ये इंसान के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल इनके लाइफ में सब कुछ है, रिश्ते है इन द सेंस कि रियली डोंट नो, क्योंकि कुछ खालीपन सा है। हो सकता है कोई रिश्ता खो रहा है या फिर कुछ ऐसे ना, जैसे मान लीजिए कि रिश्ता है लेकिन अजीब सा खालीपन है, या सच में उनके लाइफ में कुछ खो रहा है। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस कम लग रहा है लेकिन रिश्तों में ज़्यादा अनबन दिख रही है। या तो आपके ना होने का या तो किसी का खोने का इन्हें बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एक बेचैनी है। इनकी एंग्जाइटी है, थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे है और खामोश रहना प्रेफर करते हैं। और स्पेशली ये चाहते हैं कि पहल आपकी तरफ से हो। इस बार सिर्फ ईगो नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है। इन्हें ना आपके साथ गलत किया है उसका तो एहसास है, लेकिन उनके लाइफ में जो कुछ हुआ है ना उसकी वजह से अपने साथ जो हुआ है वो भी बोलने की हिम्मत नहीं है। कभी कभी ये ना किसी ख्याली दुनिया में ही आपके साथ रहना चाहते हैं, ये रियलिटी में भी आपसे मिलना नहीं चाहते। कुछ लोगों के केसेस में ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो चाहते हुए भी या चाहे भी तो वो बताना नहीं चाहते किसी को, किसी को भी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इनके घर में कोई बीमार है या कुछ गलत हुआ है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। स्पेशली बीमार एकदम ज़्यादा होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं उस जगह पे शिफ्ट है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये इंसान तो बिल्कुल आपके बारे में सोच नहीं रहा है और कुछ भी फ़र्क नहीं, बट उनके लाइफ में कुछ ऐसा ही चल रहा है जिसकी वजह से इनका आपकी तरफ अप्रोच करना बहुत गलत वक्त होगा। गलत वक्त, मैंने कहा कि गलत वक्त हो सकता है। शायद इसी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की हो कुछ लोग केसेस में। और कुछ लोग अगर नॉर्मल कंडीशंस में भी है फिर भी ये इस कंडीशन में नहीं कि आपको कुछ समझा सके, ये मतलब किसी से भी बात शेयर करना नहीं चाहते। इस कदर थोड़े ना
खामोश है या अपनी लाइफ में जो भी हुआ है उसको ना समझने में, मतलब एक एक्सेप्ट होता है ना उसे समझने में, जैसे टाइम ले रहे हैं उनको भी खुद एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही है। कुछ लोगों में ये डिवोर्स हो सकता है, डिवोर्स है या तो डिवोर्स का डिसीजन है, या फिर कोई रिश्ते में बहुत ज़्यादा लेकिन स्पेशली ऐसा लगा कुछ लोग केसेस में उनकी मदर बीमार हो सकती है, या घर का कोई इम्पॉर्टेंट इंसान जो रिलेशन में है स्पेशली वो बीमार एकदम वो हो सकता है। इनकी तरफ है ना जिम्मेदारियाँ बहुत है, या फिर जिस तरह से मजबूरियाँ है ना वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कुछ जेन्युइन रीजंस है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे, ऐसा लगा इस एनर्जी में। जैसे कि कुछ लोगों की एनर्जी ना जैसे कहना चाहती हूँ आपसे कि कुछ थोड़ा सा वक्त दे दो, कुछ ऐसा हुआ है जो बता भी नहीं सकता या बता भी नहीं सकती। इनिशियली इनके ना एच हो सकता है, एम हो सकता है, एल हो सकता है। इतनी सारे प्रॉब्लम और इतनी सारी उलझने और इतना सारा रूटीन, नो दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता कभी कभी, या फिर दिन भी काटना कभी कभी मुश्किल होता है। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, अकेलापन इन किसी का साथ मिस करना, किसी का सपोर्ट मिस करना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और रात के जो खाली वक्त है इवन सोने से पहले एक बार बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, एक बार तो बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपके कोई फ़ोटोज़ है या वीडियोस है या आपकी कोई गिफ्ट है उसे बहुत दिल से देखते हैं। कुछ लोग इसे लाइक दिल से गले लगाते हैं कि जैसे आपका आपके होने का एहसास वो फील कर सके। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें मुझे कोई फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं फील हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशन की एनर्जी है। जैसे इंसान अपना साथ और सपोर्ट मिस कर रहा है, जो मतलब उनका कुछ खास जैसे था, जैसे इस दुनिया की लड़ाई में इस साथ की उनको बहुत ज़रूरत थी, लेकिन ऑफ कोर्स आप उनके साथ नहीं हैं, ये इनकी चॉइस है, इनकी डिसीजंस है, और शायद ये चॉइस उन्होंने पास्ट में की थी उसकी वजह से ये हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये दूर से आपको देखते हैं, मतलब कुछ लोग इसमें ना स्टॉकिंग एनर्जी बहुत कम है, करते हैं स्टॉक आपको, लेकिन कुछ खास वक्त पे बस उतना ही, एक बार देख लिया बस हो गया, बट ज़्यादातर नहीं। एक्चुअली कभी कभी वक्त ही नहीं मिलता, तो कभी कभी हालात ही ऐसे है कि कुछ उस एनर्जी जोन में जाना वो पॉसिबल नहीं होता। आसपास लोग हो सकते हैं, आसपास कलीग हो सकते हैं, काम भी इतना हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन एक बैकअप द माइंड, आप हमेशा रहते हो एक साए की तरह, एक साथ की तरह, ऐसा उनको फील होता है। इनको एक बात का एहसास तो है, एक बात का मतलब एक तकलीफ होती है कि ना आपको कुछ बता नहीं पाते, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो है कि आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप भी उनके लिए तड़प रहे हो, कुछ उम्मीद है आपको इनसे, और आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे ना कुछ कहना, क्योंकि उनके हाथ में ही कुछ नहीं है अभी जैसे कहने के लिए, समझाने के लिए, जैसे क्या हुआ है और ये कब तक ठीक होगा, कब तक होगा, क्या होगा, ये इनको नहीं पता, नहीं पता, सीरियसली नहीं पता, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि ना ये चीज़ आपने ड्रीम में या इंट्यूशन में फील की है कि इस इंसान के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ ऐसा एहसास है ना कि आपको भी पता चल रहा है। हो सकता है कि ड्रीम में आपने इन्हें देखा हुआ है और एकदम हो सकता है कि एकदम दर्द में देखा हो। इनकी जो एनर्जी है, इस एनर्जी में ना हर्मिट मोड काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हुआ। हर्मिट मोड है ना बहुत ज़्यादा, एक ऑफ़ कोर्स ये एक नो कांटेक्ट जोन या फिर लेस कांटेक्ट या फिर मतलब
कनेक्शन हो है बट फिर भी एक कनेक्ट नहीं है वाली एनर्जी होती है. इंसान अकेले रहना या अकेले पड़ जाना ये वाला फील करता है, बट ये सारा जो मूड होता है, जो सारी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटर कॉन्टम्पलेशन यानी खुद को समझने की या खुद को डाइजेस्ट करने की, एक्सेप्ट करने की एनर्जी होती है. बहुत सारी चीज़ें, लेकिन खुद की गलतियाँ हो, खुद के डिसीजंस हो, या फिर क्या हो सकता है या नहीं हो सकता इस बात पर बहुत ज़्यादा सोचना हो, ओवर थिंकिंग नहीं होता बट सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है. जिस भी ईश्वर यूनिवर्स में ये मानते हैं उनको जब वो उनके पास है, मतलब उनको उनके शरण में है, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ तो है, लेकिन उस वक्त जैसे वो यूनिवर्स भी वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में कनेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, स्पिरिचुअल है. और ये सिर्फ किसी जैसे ऊपरी दिखावे लाइक ना जैसे पैसा या खूबसूरती या एज फैक्टर या इसके लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दिल से है और स्पेशली आपकी तरफ से. और ये बात ये खास तरह से जानते हैं और इसीलिए यूनिवर्स ने जैसे उनको ऐसा एक तो लगता है कि यह यूनिवर्स ने ये इंसान मुझे दिया है वो कुछ खास तो है. ऑफकोर्स हर एनर्जी हर किसी को हर बार मैच ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ एनर्जीज आपको हिट कर जाए. कुछ कहने की कोशिश होती है और सबसे बड़ी चीज़ तो हीलिंग की एक कोशिश होती है आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हैं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस एनर्जी में काफ़ी इंसान कुछ अलग जोन में है. ऑफकोर्स ये इंसान एक ईगो वाला, घमंडी, ज़िद्दी और इमैच्योर भी है, सब कुछ है, इमैच्योर, जानते हुए अनजान बना, ये सब कुछ है. लेकिन कभी कभी ना ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है ना कि इंसान को पूरी तरह तोड़ के नए से बनाना जानता है यूनिवर्स. तो वैसे कुछ फेस से ये शायद गुजर रहे हैं, वो भी हो सकता है. और कुछ लोगों के केस में ये एनर्जी मैच कर सकती है क्योंकि वो शायद जोन है, क्योंकि उनको शायद उस चीज़ के ड्रीम आ रहे हैं, इंट्यूशनली फील होता है, हो रहे हैं. बी, बी फॉर बॉम्बे इनके इनिशियल हो सकते हैं. और कुछ ना जैसे अचानक से होने की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे जैसे अचानक मिले हार्ट से, मतलब इस एनर्जी में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक जेन्युइन या ट्रू लव जिसे कहते हैं, वो तो है ट्रू लव जिसे कहते हैं वो है. Emperor, the wheel of fortune, क्या बात है, मेजर करना चाहें. मैंने कहा ना कि the hermit moon, ये एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा एक गहराई है जो मेजर अर्काना के थ्रू करे कि कुछ जेन्युइनली कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो डीप है, बहुत ज़्यादा डीप. किंग ऑफ फैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स and the fool, and page of pentacles. तो यहाँ पे जिस तरह से एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना कि जिस तरह से इंसान अपनी अकड़, जो मजबूरी है, अपनी मर्जी जो भी है, उसमें उलझा हुआ था, समझ रहा था ना अपने आप को कुछ बहुत ही कुछ, वो सब चीज़ें. लेकिन एक वक्त है ना जो बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है. तो कभी कभी ना वक्त इस कदर बदल जाता ना कि बड़े बड़े इंसानों को एक, मतलब जैसे ना एक बहुत बड़ा पेड़ है लेकिन एक तूफान इस कदर आता है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक सकता है, इतने गहरे पेड़ को वाली चीज़ है. तो कभी कभी ये होता है ना कि ज़्यादा अकड़ भारी पड़ती है, या फिर ज़्यादा ही स्टबन होना, या ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होना, ज़्यादा हर चीज़ यू नो. आपकी तरफ भी ऐसा ही है कि ज़्यादा इमोशनल होना आपकी तरफ भारी पड़ा है, ज़्यादा इमोशनल होना. तो एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा होपफुल है. फिलहाल हर्मिट मोड है लेकिन ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है क्योंकि इन्हें बहुत सारी चीज़ें समझनी है. अगर ये इंसान सोच रहा है, समझ रहा है, बदल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक नई शुरुआत करना ज़रूर चाहेंगे.
तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।